पावर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेकर के आता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो, जो वीडियो है यूपी टेट, सी टेट, और क्या बोलते हैं उसको, एच टेट है, एम पी टेट है, और के बी एस है, एम बी एस है, एम बी एस है, और DSSB, ठीक है, DSSB की एग्ज़ाम है, ठीक है, DSSB, ठीक है, DSSB। तो इसमें क्या है कि मतलब आपके लिए कुछ पैडागोजी होती है, पैडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें पढ़ने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है दोस्तों। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि मतलब बच्चे याद करते हैं तो याद नहीं हो पाते अक्सर, क्या जो इम्पोर्टेंट साहित्यिक वर्ड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, शब्दावली, उनको हमेशा अक्सर भूल जाया करते हैं। तो इससे ऐसे में हमने एक अंदाज़ लगाया कि उनको क्यों ना इस तरीके की कुछ वो बनाई जाए, एक शब्दावली बनाई जाए, शब्द बनाए जाए, उनको कठिन शब्दों को सरल बनाया जाए, जिससे मतलब परीक्षार्थियों को याद करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, तो मैं इसी इन्हीं बातों को लेकर के मैंने कुछ नया लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो जो है आपके लिए कि शब्दों की हिंदी बताना, किस प्रकार से बताते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों को जानने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। क्योंकि मैं अगर कोई नया वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो समय लगा बात होगी, सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है आज का अपना पेडागोजी के इम्पोर्टेंट वर्ड, इम्पोर्टेंट शब्द हैं। तो जो आप लीजिए, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पहला शब्द आता है लेखन, पहला शब्द आता है जैसे लेखन, लेखन का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग, लेखन मतलब जैसे कठिन, लेखन का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, है ना। और उसके बाद कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल या विधियां, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल या विधियां। उसके बाद कहते हैं भाषा, भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज जो भाषा होती है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, पंजाबी है, ये सब क्या होता है, लैंग्वेज होती है ना। उसके बाद क्या है, पठन कुशलता, पठन का मतलब क्या होता है, पढ़ना, मतलब पढ़ना कुशलता के साथ, जिसे कुशलता से किसी चीज़ को पढ़ना, मतलब रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है, एवलुएशन, एवलुएशन बोलते हैं, मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, एवलुएशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन बात है, सतत व्यापक, सतत व्यापक मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब किसी चीज़ को लगातार करते हैं, है ना। और अगला नेक्स्ट आता है भाषा अर्जन, मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, अर्जन, भाषा को कैसे एक्वायर मतलब प्राप्त करना, भाषा को कैसे ग्रहण करना, ठीक है, मतलब कैसे भाषा को सीखने के ग्रहण करते हैं अपन, है ना। उसके बाद क्या आता है, परिवेश, परिवेश मतलब क्या होता है, जैसे परिवेश मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब जो अपना वातावरण होता है, एटमोसफियर होता है, उसको बोलते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद आ रहा है त्रुटियाँ, त्रुटियाँ मतलब क्या होती है, तो आप सभी आप जानते हैं, त्रुटि भी कठिन वर्ड होता है, जिसे बोलते हैं इरर, इरर के नाम से जाना जाता है, इरर मतलब गलतियाँ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संवाद पठवा, संवाद पठवा में डायलॉग एक्सचेंज, मतलब क्या होता है, डायलॉग बोलते हैं उसको, एक्सचेंज किस प्रकार से किया जाता है, डायलॉग एक्सचेंज, चलिए सर देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है उपचारात्मक, उपचारात्मक मतलब क्या होता है, उपचारात्मक मतलब क्या होता है, रेमेडियल, रेमेडियल मतलब क्या होता है, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान। उसके बाद आता है साहित्यिक विद्या, मतलब लिटरेचर लैंग्वेज, लिटरेचर जो लैंग्वेज जो वो आती है, विद्या होती है ना, तो क्या पोएम है, ऐसे है, स्टोरी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद है निर्माणकारी उपागमन, निर्माणकारी मतलब कंस्ट्रक्शन सिस्टम, निर्माण मतलब किसी चीज़ को बनाते हैं अपन, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो रचना करते हैं किसी चीज़ की, रचना करते हैं उसे बोलते हैं निर्माणकारी। नेक्स्ट आता है अपना अवलोकन, अवलोकन मतलब किसी चीज़ की जाँच करना, यानी कि इंक्वायरी करना, ठीक है, इंक्वायरी करना। नेक्स्ट आता है मतलब
एकांकी, एकांकी मतलब इसको बोल सकते हैं अपन, प्ले भी बोल सकते हैं, किसी प्ले रोल करते हैं, कोई रोल करते हैं से बोलती है, ठीक है। उसके बाद आता है मौन पठन। मौन पठन मतलब होता है साइलेंट रीडिंग। मौन मतलब कहते हैं कि मौन तरीके से, मौन धारण करो, मौन बिल्कुल चुपचाप पढ़ाई करना है, बिल्कुल बातचीत बिल्कुल नहीं करना, बहस नहीं करना है, ठीक है। उसको बोलते हैं मौन पठन, मतलब साइलेंट रीडिंग, बिन बोले पढ़ना, ठीक है। उसके बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज, मतलब कई भाषाओं से मिला करके वो बनाया गया है, मतलब एक भाषा बनाई, उसे बोलते बहुभाषिकता। कई भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर कई भाषाओं के स्टूडेंट क्लास के अंदर रहते, कक्षा के अंदर रहते हैं, उसे बोलते हैं बहुभाषिकता, ठीक है। उसके बाद आता है सस्वर पठन। सस्वर पठन मतलब क्या होता है, सस्वर मतलब हो जाए तेज, मतलब क्या होता है, तेज गति, क्या होता है, तेज गति से, तेज मतलब जो अपनी गति या आवाज बोल सकते हैं, तेज आवाज बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तेज आवाज मतलब कि पढ़ना है ना। उसके बाद आता है आकलन। आकलन मतलब क्या होता है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, आकलन मतलब अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, किसी चीज का अंदाजा लगाया जाता है। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं अपन जैसे बहुसांस्कृतिक। बहुसांस्कृतिक मतलब क्या होता है, मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर मतलब क्या होता है, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, सॉरी कई कई मतलब कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी कल्चर। तो दोस्तों ये वीडियो था, मैं आपके लिए मैं लेकर आया था। कल मैं कुछ नया वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टाइम हो सके तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के नए नए प्रकार की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत रहता हूँ, लाता रहता हूँ। तो ठीक है, समय न गंवाते हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक आपको मैंने बता दिया, तो सीधे चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। टेक केयर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।